हेलो 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 वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गुड इवनिंग नमस्कार गुड इवनिंग गुड इवनिंग नमस्कार गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग हेलो शिवानी प्रवीण लकी सभी का स्वागत है मोस्ट वेलकम है वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी लोग चलो पलाश कविता राघवेंद्र प्रियंका ज्योति सोनम चांदनी सभी का स्वागत है मोस्ट वेलकम है एक बार वॉइस बता दीजिए क्लियर है सभी को वॉइस कंफर्म कर दीजिए सभी को क्लियर है हेलो अनु हेलो किट्टू नमस्कार चलिए सो so दोस्तों आप सभी की जानकारी के लिए ये क्लास अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी लाइव है और इसके साथ साथ लेट्स एम्पिक एग्जाम्स के यूट्यूब के चैनल पर भी लाइव है और जो स्टूडेंट अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर ज्वाइन करना चाहते हैं बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री क्लास है ये आप सभी के कमेंट बॉक्स के ऊपर वीडियो के जस्ट नीचे एक लिंक दी गई है वो लिंक एक्चुअल में ये क्लास की लिंक है और उस उसमें सिर्फ पे एक कोड की आवश्यकता होगी पी ए कोड है इसको टाइप कर देंगे क्लास ओपन हो जाएगी लाइव ज्वाइन कर सकते हैं पोल लीडर बोर्ड के माध्यम से रैंक भी प्रदर्शित होगी और क्लास के बाद आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं सो मोस्ट वेलकम है ये नमस्कार नमस्कार वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग प्रियंका क्लास की कल की क्लास के लिंक कल की क्लास की पीडीएफ यदि चाहिए तो क्लास की लिंक जो है कल की वाली क्लास मेरी प्रोफाइल पर कल वाली क्लास भी मिल जाएगी जो पहले भी हुई है उन सभी क्लासेस मिल जाएंगी उस क्लास पर क्लिक कीजिएगा नीचे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन होगा विद एनोटेशंस विदाउट एनोटेशंस विद यानी कि जो आपने मैंने लिखा है बोर्ड पर उसको भी डाउनलोड कर सकती हैं और या विदाउट उसके भी कर सकती हैं तो आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी ठीक है चलिए वेरी गुड इवनिंग मीन्स मेरे इंटरफेरेंस की उसमें आवश्यकता नहीं है क्लास में ऑलरेडी पीडीएफ है अपलोडेड है वो अपने आप डाउनलोड हो जाती है क्लास के बाद यदि आप उस पर लिंक पर जाएंगे तो ठीक है नमस्कार नमस्कार वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग जल्दी जल्दी जुड़े हैं हम लोग सेशन को फिर स्टार्ट करते हैं न, हेलो 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 नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्कार ज्योत्सना आप प्लस क्लास में आज कल नहीं रहती हैं आपकी प्लस क्लास कंटिन्यू करें है ना बीच में ना छोड़ें कल मैंने क्लास नहीं ले पाई बैलेंस खत्म हो गया था ओके प्रियंका नो इशू नो इशू नो इशू होता है कई बार कल की क्लास मिल जाएगी हाँ बिल्कुल क्लास कभी मेरी प्रोफाइल है नीरज पांडे के नाम से उस प्रोफाइल पर जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं सब कुछ आपको मिल जाएगा चाहे वो प्री क्लास हो चाहे वो प्लस क्लास हो सब कुछ आपको मिल जाएगा ठीक है करंट की योजनाएं भी पढ़ा दीजिए पूजा का कहना ओके ठीक है अभी हम सेशन को कंटिन्यू करते हैं बिल्कुल रॉयल अभी बहुत बढ़िया आज वीडियो बहुत ज्यादा क्लियर है <laughs> चलिए नमस्कार 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 सेशन को आगे बढ़ाते हैं हम हेलो 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 जल्दी जल्दी जुड़ जाए ओके ओके ज्योत्ना ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट वेरी ऑल द बेस्ट आपका अच्छा जाए अच्छा करें है ना और नौकरी लेकर के आए चलो सेशन को स्टार्ट करते हैं और सेशन को स्टार्ट करके पहले क्वेश्चन पर चलते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है पोल में आप सभी के सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने है चलिए बताइएगा बताइएगा जल्दी जल्दी जो स्टूडेंट यूट्यूब पर हैं वो भी अनकेडमी की लर्निंग ऐप पर आ सकते हैं बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है पोल में पार्टिसिपेट करें बेहतर कंपटीशन फील होगा आंसर क्या होगा इसका 43.18 परसेंट इस स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है जर्मनी ने बेल्जियम को पराजित करके ये जो है किताब जीता है आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका दोस्तों बी दैट मींस जर्मनी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है बड़ौदा का किला मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है तो बताना है आपको बड़ौदा का किला मध्य प्रदेश में वैसे तो बड़ौदा गुजरात में है पर बड़ौदा का किला मध्य प्रदेश में ही अवस्थित है जिसका निर्माण जो है खींची राजाओं द्वारा करवाया गया था और मींस राजा इंदिरा सिंह गोंड के द्वारा जो है इसको जीत करके राजा इंदिरा सिंह गोंड ने जीत करके शिवपुर रियासत का हिस्सा बनाया था सो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका शिवपुर शिवपुर दैट यहां कहां पर है शेवपुर में है में अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं खींची राजाओं द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था और बाद में इंदिरा सिंह के द्वारा इसको जो है शिवपुर रियासत में शामिल किया गया आंसर होगा इसका बी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने थोड़, थोड़ा स्लो चलना है ऐसा ओके ओके महिमा ठीक है तो किस स्पीड में चलना है 150 250 10 सौ साइकिल की स्पीड में चलें पैदल की स्पीड में चलें या जो है एरोप्लेन की स्पीड में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना कब की गई थी मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड की स्थापना आपको बताना है पोल आप सभी के सामने चलिए बताइएगा ये इस क्वेश्चन में काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं तो मैं आप सभी को सिंपल सी चार चीजें बताता हूं टूरिज्म से संबंधित चार डेट आपको याद रखना है यानी कि चार वर्ष कौन कौन से एक टूरिज्म में में टूरिज्म पॉलिसी यानी कि यदि आपसे टूरिज्म से, से संबंधित पॉलिसी पूछी जाए यानी कि पर्यटन नीति तो पर्यटन नीति दो की यदि आपसे यह पूछा जाए टूरिज्म बोर्ड यानी कि टूरिज्म बोर्ड का गठन कब किया गया तो 2017 लगाएंगे कब लगाएंगे 2017 यानी कि 2017 में इसके अलावा पर्यटन विकास निगम यानी कि टूरिज्म डेवलपमेंट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पर्यटन विकास निगम तो पर्यटन विकास निगम कब लगाएंगे पर्यटन विकास निगम तो पर्यटन विकास निगम लगाएंगे आप 1978 इसके अलावा यदि आपसे ये पूछा जाए कि पर्यटन संचालनालय यानी कि टूरिज्म डायरेक्टोरेट तो पर्यटन संचालनालय का जो गठन किया गया पर्यटन संचालनालय का जो गठन किया गया ये 1961, 1961 तो ये चार आपको ईयर याद रखने हैं ध्यान से चार जो ईयर हैं वो आपको यहां पर ध्यान से रखना है ठीक है हाँ पर्यटन विभाग भी आप कर लीजिए तो पर्यटन विभाग 1975 बिल्कुल सही है ठीक है तो एक और आपका हो जाएगा पांचवा भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने बताइएगा जस्टिस रवि मलीमट जो हैं ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस हैं तो ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस किस क्रम के हैं पहले तो आप सभी को पता है कि जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे कितना कंफ्यूज कर देते हैं टूरिज्म वाले टूरिज्म वाले क्यों कंफ्यूज करते हैं जब हम घूमने जाते हैं तो तब नहीं लगता मन में कि यहां भी जाए वहां भी जाए वहां भी जाए तो कंफ्यूज तो हम हम खुद हो जाते हैं वैसा ही क्वेश्चन है आंसर 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 क्या है है इसका इसका 25.49 स्टूडेंट इस ने सही आंसर दिया होगा नंबर के है। के हैं ये मध्य प्रदेश मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस आर रवि मलिठ नेक्स्ट क्वेश्चन है, है। निम्नलिखित में से किस जिले के तेलिया तालाब पर स्थित सम्राट यशो धर्मन की मूर्ति का अनावरण हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है और पोल में आपके सामने दे रहा हूं जो कि आप सभी के सामने है है ना यस yes, निहारिका चलिए बताइएगा जल्दी जल्दी कोई स्पीड में एम चलिए मतलब जो है वही रहने दीजिए सर साइकिल के सविता कह रही है साइकिल के स्पीड से लकी करें 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मतलब एक घंटे में 20 क्वेश्चन इतना मत करो भाई एक घंटे में बीस क्वेश्चन नहीं एक घंटे में पूरा सेशन कंप्लीट करना है ठीक है <laughs> चलिए आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका बी दैट इज मंदसौर ये कहां पर है धर्मन की मूर्ति का जो संग्रहालय ये ये कहां पर है मंदसौर में आंसर होगा इसका बी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें बताना है तुर्की और सीरिया के साथ जो में जो भूकंप आया था उसमें भारत में भारत ने मदद करने के लिए एक जो है ऑपरेशन चलाया था उस ऑपरेशन का नाम आपको बताना है पोल आप सभी के सामने उस ऑपरेशन का नाम बताया बताना है चलिए बताइएगा जो वाई पर है प्लीज एक बार क्लास को सभी लोग लाइक करते हैं जल्दी जल्दी कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है आंसर दिया है भैया एट्टी परसेंट स्टूडेंट ने सो बहुत बढ़िया आंसर क्या होगा इसका ऑपरेशन दोस्त टर्की और टर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसके लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने इसमें बताना है मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल कहां पर वस्थित है मंगलगिरी जैन तीर्थ स्थल प्रदेश में कहां पर अवस्थित है पोल रहा है आपके सामने बताइएगा बन ही नहीं रहे गुरु जी कोई बात नहीं अभी मत बनने दीजिए अगली बार तो बनेंगे ना इसीलिए तो सीखने आए हैं ये मत सोचा करिए कि हम बिल्कुल टॉप करने के कोई भी हो सीखने की है नहीं बन रहे तो कोई दिक्कत नहीं सीख के जाएंगे और बन रहे हैं तो प्रोत्साहित होंगे दोनों चीजें हैं आंसर क्या है यहाँ पर आंसर हो गर्टी फोर परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है मंगलगिरी एक जैन तीर्थ स्थल है जो कि कहां पर अवस्थित है मध्य प्रदेश के सागर जिले में आंसर होगा इसका बी नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिष्य लिंगानुपात किस जिले का है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक शिशु लिंगानुपात किस जिले का है और यह रहा पोल आप सभी के सामने चलिए बताइएगा किट्टू कह रही है आज के क्वेश्चन तो मुझे भी नहीं बन रहे मुझे भी नहीं बन रहे है ना पूजा कह रही है सर आज नहीं बन रहे अरे भाई ऐसा मत कहो सभी लोग ऐसा कह रहे हो कि आज नहीं बन रहे आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका दोस्तों हो दशमलव मध्य प्रदेश का सबसे यदि प्रश्न पूछा जाए मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है तो मध्य प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है चार ऐसे जिले हैं जो एक हजार से ऊपर हैं उसमें बालाघाट एक हजार इक्कीस के साथ तो बालाघाट तो सबसे ज्यादा लेकिन शिशु शब्द जो जोड़ा गया है यहां पर शिशु लिंगानुपात तो ये आपका हो जाता है अलीराजपुर नौ सौ अठहत्तर सबसे ज्यादा अलीराजपुर जिले का आंसर हो इसका क्या सी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है मध्य प्रदेश में वन मंडलों की संख्या मध्य प्रदेश में वन मंडलों की संख्या ये तो बनेगा सबसे भाई क्योंकि इसको पढ़ा है सबने पढ़ा तो सब कुछ सबने है बट कई बार नहीं बनता है बट ये तो बनेगा सब बन रहे हैं सर्वज कह रहे हैं बहुत बढ़िया मोनिका कह रही है मुझसे भी नहीं बन रहा ऐसा क्यों प्रियंका कह रही है मेरे गलत ही हो रहे हैं मैं नहीं कह रही अभी महिमा ऐसा कह रही नमस्कार नमस्कार अर्चना क्या क्या हाल है आंसर क्या होगा इसका कितने परसेंट स्टूडेंट ने दिया है तो वन व्रत की संख्या कितनी है सोलह वन व्रत की संख्या कितनी है सोलह और वन मंडल की संख्या कितनी है वन मंडल की संख्या है तिरसठ ठीक है तो वृत्त और मंडल सो तो आंसर यहां पर क्या होगा ये क्या है वन मंडल फॉरेस्ट डिविजन सॉरी वन व्रत ये क्या है वन वृत्त फॉरेस्ट सर्कल और इसके अलावा फॉरेस्ट डिवीजन जो है डिवीजन आपके कितने हैं ये आपके 63. आपके 63 ठीक है 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 नेक्स्ट क्वेश्चन सामने इसमें आपको बताना प्रश्न में कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है विशेषकर जो एमपीपीएससी के हालांकि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर्स का पार्ट है लेकिन इसके साथ साथ एमपीपीएससी की प्री की यूनिट नंबर टेन में आ, बिल्कुल रॉयल अभी हेलो कपिल हेलो हेलो मारुति पाल हेलो सरिता मानसिंह धाकर कल्पना जैन हरीश पांडे हुजूर साहब रोशनी सिंह मुकेश लोधी मोस्ट वेलकम आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका 50.88 परसेंट इस स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है आंसर होगा इसका क्या सी अच्छा तीनों के याद कर लीजिएगा ये तीनों याद कर लीजिए ये तीनों या नेशनल कमीशन फॉर एस सी के नेशनल कमीशन फॉर एस टी के और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड के बैकवर्ड के तो so ये आपके तीनों नाम याद कर लीजिए तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हो गए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है इसमें आपको बताना है जन नायक टंटिया मामा की कर्म स्थली व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पाताल पानी पाताल पानी ये आपको बताना है कहां पर है ये आपको बताना है कहां पर है तो भैया ये आपका यहां पर है कहां पर यहां पर यहां पर कहां पर तो यहां पर भैया इसका आंसर जो है पवन पोल नहीं आ रहा है क्या आपके पास हाँ बिल्कुल रितेश आंसर क्या होगा इसका 73 परसेंट इस स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है पाताल पानी कहां पर है पाताल पानी इंदौर में है सो so आंसर क्या होगा इसका सी काफी चर्चित जो है स्थल है सो so इसलिए इसको याद रखिएगा बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किन देशों के मध्य खेली जाती है बहुत ही चर्चित अभी हाल ही में विशेष रूप से तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी किस देश के मध्य खेली जाती है तो ये खेली जाती है इन देशों के मध्य किन देशों के मध्य इन देशों के मध्य तो ये ये देश आप सभी के सामने हैं पवन एक बार आप ना रिफ्रेश कर लें या एक बार अपडेट कर लें थोड़ा सा ऐप को प्रियांशु कह रहे हैं बन भी रहे हैं और नहीं भी बन रहे चलो फिफ्टी फिफ्टी का मामला है तब तो अच्छा है सर हमने देखी थी क्या देखी थी भाई अच्छा ये बॉर्डर का ट्रॉफी देखी थी किस प्रकार की थी भाई आंसर क्या होगा इसका ये मैच देखा था कौन सा मैच आंसर होगा इसका इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी टी ट्वेंटी महिला विश्व कप किस देश में आयोजित हो रहा है आयोजित हो चुका है आयोजित हो हुआ है प्रश्न ये है आयोजित हुआ है आईसीसी टी ट्वेंटी विश्व महिला विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ है तो पोल आप सभी के इसका आप सभी के सामने है, इस देश में आयोजित हुआ है अच्छा एलन बॉर्डर को देखा है सरवासा कह रहे हैं अच्छा पाताल पानी देखा है ओके चलिए बताइएगा कितने परसेंट फिफ्टी वन पॉइंट फिफ्टी वन परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका डी यानी कि साउथ अफ्रीका जीता किसने है जीता ऑस्ट्रेलिया ने ध्यान रखिएगा जीता ऑस्ट्रेलिया ने है ट्रॉफी हुई दक्षिण अफ्रीका में है और दक्षिण अफ्रीका को ही हरा करके ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार जीता है सो आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका डी तो ध्यान रखिएगा साउथ अफ्रीका ने जीता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने ध्यान से पढ़ लीजिएगा गोम्मिरी एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल है प्रदेश के खरगोन जिले में अवस्थित है ठीक है पुष्पागिरी मध्य मध्यप्रदेश के दतिया जिले में अवस्थित है ठीक है पावागिरी मंदिरों की संख्या निन्यानवे है ठीक है सो so, पोल आप सभी के मैं सामने दे रहा हूं और पोल तीन स्टेटमेंट दिए गए हैं इसमें से बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है यही पूछा है ना सही कथन ओके पोल आप सभी के सामने अच्छा हाँ सिक्स टाइम यस yes, हजूर साहेब मैंने शायद फोर टाइम बोला यस yes. चलिए बताइएगा कितने परसेंट स्टूडेंट ने दिया फोर्टी सेवन so, परसेंट सो फोर्टी फाइव परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है भैया और इसका आंसर जो फोर्टी सिक्स हो गया बहुत बढ़िया इसका आंसर क्या है आंसर होगा इसका भैया ये आपका गोमतगिरी कहां पर है जल्दी से बताएंगे कमेंट बॉक्स से जो YouTube पर हैं YouTube के कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी क्लास बहुत अच्छी है कविता राव कह रही हैं एग्जाम तक कंटिन्यू रहे हैं चलिए गोमतगिरी इंदौर में है पावागिरी देवास में नहीं है पावागिरी कहां पर है खरगोन में है खरगोन कहाँ खरगोन में कहां पर उन में तो पावागिरी खरगोन में है उन में है देवास में क्या है पुष्पागिरी देवास में क्या है पुष्पागिरी सो देवास में पुष्पागिरी है तो ये पुष्पागिरी आपका देवास में है और इसके अलावा योमतगिरी कहां कहाँ पर है इंदौर में है और इसके अलावा नंबर ऑफ टेम्पल्स इन पावागिरी पावागिरी ऊन में है ऊन कहां पर है खरगोन में है खरगोन कहां पर है निमाड़ अंचल में है निमाड़ अंचल कहां पर है मध्य प्रदेश में है पश्चिमी निमाड़ जिला सो आंसर होगा इसका सिर्फ तीसरा सही है बाकी ये दोनों स्टेटमेंट गलत हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है हेलो हर्षिता डेनी आयु मनीषा सभी मोस्ट वेलकम है दीपाली ममता एलिना काफी दिनों के बाद आई हो पुष्पागिरी नहीं पुष्पागिरी खरगोन में नहीं है पुष्पागिरी देवास में है ध्यान रखना है ठीक है गलत टाइप हो गया चलो कोई बात नहीं कभी कभी हो जाता है कभी कभी तो हमसे भी गलती होती है सबसे गलती होती है इंसानों से ही गलती हो जाती है चलिए इसमें बताना है आप सभी को कि भैया हाल ही में इसरो के द्वारा प्रक्षेपित किया गया सबसे छोटा रॉकेट कौन सा है तो सबसे छोटा रॉकेट इनमें से कोई एक ही है और वो कौन सा है वो आपको बता देना है ठीक है चलिए बताइए हां वो है बिल्कुल कविता राव जी बिल्कुल आपका सजेशन स्वीकार है ना वैसे भी रहती हैं कविता आपको आपको जो है सिलेक्शन दिलवाने तक सो आप बस सिलेक्शन लीजिए मेहनत कीजिए बाकी जो हेल्प हो सकेगी जरूर करेंगे तीन सैटेलाइट जो है इसके माध्यम से लॉन्च की गई थी और ये जो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डी टू ध्यान रखना है सो आंसर क्या होगा इसका तीन जो है सैटेलाइट इसके माध्यम से इस लॉन्च व्हीकल के माध्यम से लॉन्च की गई थी कहाँ से श्री हरिकोटा से श्री हरिकोटा कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में चलिए बताइएगा कहां पर हुआ है कहां पर हुआ है हो रहा है नहीं चूंकि हो चुका है तो कहां पर हुआ है किसी एक देश में हुआ है किस देश में हुआ है यह आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है सो पोल आप सभी के सामने है कहां पर आप सभी के सामने चलिए बताइए जो वाई पर हैं प्लीज एक बार क्लास को सभी लोग लाइक कर देंगे है ना 51 परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है आंसर क्या होगा इसका दोस्तों ये कहां पर फिजी में आयोजित हुआ है फिजी एक आइलैंड कंट्री है आंसर क्या होगा इसका फिजी में विश्व बारवा विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ ठीक है शुरुआत 1975 में हुई थी नागपुर से कहां से शुरुआत 1975 से हुई थी नागपुर से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन ने अरे वाह आज तो पॉलिटी के भी क्वेश्चन है चलिए बताइएगा पोल में आप सभी के सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के नाइन्टी टू पॉइंट फोर परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है आंसर क्या होगा इसका एटी फाइव पॉइंट सेवन वन परसेंट गुड आंसर होगा इसका सठवा संविधान संशोधन के माध्यम से पहले जो वोट मत डालने की आयु हुआ करती थी वो 21 वर्ष न्यूनतम हुआ करती थी अब 18 वर्ष कर दी गई चलिए इसमें बताना है निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य के राज्यपाल के को पद से हटा सकता है तो कौन किसी राज्य के राज्यपाल को पद से हटा सकता है कोई एक ही हटा सकता है और वो है आपका कोई और नहीं बल्कि आपके सामने चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा इसका 89 परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है अपॉइंट भी राष्ट्रपति ही करता है और पद से हटाता भी राष्ट्रपति है कार्यकाल तो वैसे पाँच साल का होता है लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट कार्य करते हैं यानी कि जब मर्जी हो तब राष्ट्रपति हटा सकता है हालांकि इतना आसान नहीं है जैसे मैंने बोल दिया बट कुछ ऐसा ही है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होता है आंसर होगा इसका सी दैट मीन्स राष्ट्रपति नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने किस दि किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है किस तिथि को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है पोल आप सभी के सामने दोस्तों जिन्होंने ऐप में ज्वाइन किया है आप सभी के कमेंट बॉक्स में एक लिंक आई है सो so, वो प्रोफाइल की लिंक है सभी क्लासेस जो हो चुकी हैं सभी आप यहां पर प्राप्त कर सकते हैं एक बार फॉलो जरूर कर लीजिएगा ठीक है आंसर क्या होगा इसका 86 परसेंट स्टूडेंट ने सही दिया अभी दो चार दिन पहले ही आज कितनी तारीख है आज जो है चौबीस तारीख है यानी कि दो दिन पहले ही तो सेलिब्रेट किया गया आंसर होगा इसका ए दैट मीन ट्वेंटी सेकेंड मार्च नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है विच डे इज सेलिब्रेटेड एट एज वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल डे आपको बताना है कब सेलिब्रेट किया जाता है पोल में आप सभी के सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के पोल आप सभी के कहां पर है सामने ठीक है चले कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही दिया है आंसर आंसर होगा इसका 23 इस हो मार्च WMO का फॉर्मेशन हुआ था यानी कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन हुआ था सो इसी के उपलक्ष्य में जो है ये 23 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसकी है पोल आप सभी के सामने प्रज्ञा पांडे एक बार सेटिंग में जाकर के थोड़ी थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लें वेरी गुड इवनिंग अनिता वेरी गुड इवनिंग थोड़ी सी क्वालिटी बढ़ा लें ठीक है चलिए आंसर आंसर होगा इसका 69 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है और आंसर होगा इसका भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भारत के अबुल कलाम आजाद आंसर होगा इसका सी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक किसकी है वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक इनमें से किसकी है पोल आप सभी के सामने है निमाण का डांस अच्छा है घर के सामने हो रहा है तो बस आप भी शुरू हो जाओ है ना कितना आंसर क्या होगा इसका जस्ट अ सेकेंड आंसर होगा इसका दोस्तों क्या 76 परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है और ये जो पुस्तक आपको लिखी है आपके सामने इस पुस्तक का पूरा नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द कॉलेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस तो वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से पुस्तक जानी जाती है वैसे पूरा नाम एन इंक्वायरी इंटू द नेचर एंड द कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दंत को किस खनिज से सफेद बनाया जाता है अरे वाह दंत मंजर को तो ये तो सुबह 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 जो है इसकी जरूरत होती है हालांकि कुछ लोगों को रात में भी जरूरत होती है बट पोल आप सभी के सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने एलिना कह रही है सर ऐसे क्वेश्चन करवाइए जो प्री प्री के पेपर में छपे हुए मिले अरे ऐसा मत करना भाई कि छपे हुए मिले तो सबसे पहले मेरे को ही पकड़े कि ऐसा ही क्वेश्चन ये करवाया था ऐसे कैसे छपे हुए मिल गए तो पता चला सबसे पहले मेरे को ही पकड़ लिया तो ऐसा मत करना ठीक है <laughs> थोड़ी बहुत तो परिवर्तित रूप में आए है ना <laughs> चलिए आंसर क्या होगा इसका इसका पोल नहीं दिया गया मैंने पोल तो आया था आंसर <laughs> होगा इसका डी दैट इज टाइटेनियम ऑक्साइड टूथपेस्ट को जो है व्हाइट बनाने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने हाँ <laughs> पता चला अखबारों में आप दू, दूसरे दिन जो है अखबारों में नहीं उसी दिन आ जाएगा ठीक है और पता है <laughs> पता चला कि मैं ही वो वीडियो यूट्यूब पर ले रहा हूं मैं अपने को ही बता रहा हूँ कि मेरे हुए छपे मिले और कमीशन आकर के मुझे ही पकड़े ठीक है सो so ऐसा नहीं चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नलिखित में से किस जिले में देवझिरी नामक जो है देवझिरी आपको बताना है कहाँ पर है पोल मैं आप सभी के सामने दे रहा हूं, और पोल आप सभी के सामने है नहीं हाँ? <laughs> नहीं उस पर मैं कमेंट तो करूंगा बट यस हाँ गौर से देखो इस शख्स को सबसे पहले रितेश ही बोलेगा कि गौर से देखो ये वही है, है ना आंसर क्या होगा जीरो थ्री परसेंट देवझ एक शिव मंदिर है ये प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है जो कहां पर अवस्थित है झाबुआ में अवस्थित है कहां पर झाबुआ में अवस्थित है शिव जी का मंदिर है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है और इसमें आपको बताना है कि विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया एशिया की सबसे लंबी नदी इसमें से बताना है कौन है पोल में आप सभी के सामने दे रहा हूं कौन सी जो है एशिया की सबसे लंबी नदी है और पोल आप सभी के सामने चलिए बताइएगा चलिए वैसे तो सबसे लंबी नदी जो विश्व की है वो नील नदी है 6,650 किलोमीटर की लेकिन ये जो है यांगतीज रिवर चाइना की ये जो है तिरसठ किलोमीटर बहती है तो एशिया की सबसे लंबी नदी है ये और सबसे लंबी नदी जैसे मैंने बताया कि दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है वो नील नदी है लगभग छह पचास किलोमीटर उसकी लंबाई है जबकि इसकी तिरसठ सौ किलोमीटर लंबाई है सो तो आंसर क्या होगा इसका यांगतीज रिवर आंसर होगा इसका बी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले एक सब, एक सब, बार सभी को बता दूं अगेन कि ये 40 परसेंट का डिस्काउंट का ऑफर जिसने भी इसका लाभ नहीं उठाया है ये लाभ ले लें बहुत ही किफायती है प्री सब कुछ आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के माध्यम से मिलेगा कंप्लीट बैचेज अलग अलग एजुकेटर से पढ़ सकते हैं और जब भी सब्सक्रिप्शन लें दोस्तों इस कोड का जरूर प्रयोग करें पी ए एन डी वाई जिससे ज्यादा से ज्यादा आपको लाभ डिस्काउंट का प्राप्त हो सके ठीक है किसी भी कैटेगरी में इस रेफरल कोड का प्रयोग कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस तिथि को नामीबिया से आठ चीते कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए आठ चीते आपको बताना है नामीबिया से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए थे पोल आप सभी के सामने चलिए बताइएगा नेहा चतुर्वेदी कह रही हैं कि सर हाथ में लेकर के कमेंट मोबाइल हाथ में लेकर के कमेंट नहीं पढ़ रहे तो यदि मैं नहीं पढ़ता तो आपका ये कमेंट कैसे पढ़ पाता बताइए आंसर क्या होगा इसका 76.67 परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है 17 सितंबर 2022 को 17 सितंबर 2022 को और साउथ अफ्रीका से किस स्थिति को इसी में से छाट लीजिए साउथ अफ्रीका वाले भी बता देंगे बारह चीते आए हैं इसमें आपको बताना है पहले शिशु के जन्म के साथ का लोकचित्र इसमें से कौन सा है पहले शिशु के जन्म के पोल में आप सभी के सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने नेहा बिल्कुल आपको जो है मेरी नजर जो है हर जगह है चिंता नहीं करें वेरी गुड इवनिंग सोनिका कह रही हैं कि सर पटवारी के एग्जाम में आए क्या आए अच्छा सर मेरी सिस्टर एडवोकेट है डोंट वरी चलिए फ्री सर्विस देने को तैयार मतलब आप ये चाहते हैं कि मेरे को सरकार आए पकड़ने के लिए मैंने मतलब पूरी वक, वकालत भी जो है यहां पर आ गई कि आपको फ्री सर्विस दी जाएगी आप जाइए तो वाह गजब है बहुत बढ़िया <laughs> चलिए सविता कह रही है सर असिस्टेंट प्रोफेसर में भी ओके ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं आंसर होगा इसका सी पगल्या निमांड अंचल का है पगल्या कहा का है निमांड अंचल का याद रखिएगा इसमें से तीनों जो है ये निमांड अंचल के हैं इसके अलावा छठी जो है ये भी शिष्य जन्म के अवसर पर मनाया जाता है लेकिन ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड अंचल में मनाया जाता है बाकी आपके जो तीनों हैं वो निमांड अंचल के हैं ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने अमन सिसोदिया कह रहे हैं सर क्या गवर्नमेंट जॉब मिलेगी बिल्कुल मिलेगी अमन भाई मेहनत करिए जो उसके लिए जरूरी है बाकी तो बिल्कुल मिलेगी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है जादो माटी का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में है किस क्षेत्र को कहा जाता है जादो माटी का क्षेत्र पोल मैं आप सभी के सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने देखिए एनी anyway, कोई बात नहीं मैं चला भी जाऊंगा तो इतना तो होगा कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा यदि छपा हुआ आएगा तो बिल्कुल बिल्कुल एलिना So, so, इतना तो इतना है कि आप लोगों का सबका सिलेक्शन होगा तो आप लोग इतनी मदद तो करेंगे कि ऑब्वियसली जो है लेकर के वापस आएंगे और फिर साथ में नारा भी लगाएंगे है ना चलिए आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका बी दैट इज मुरैना श्योपुर आंसर क्या होगा इसका बी मुरैना श्योपुर और कुछ लोग तो हो सकता है ये भी कहें कि ये वही टीचर है जो इतने कठिन कठिन प्रश्न देता था इसी को पकड़ो आंसर क्या होगा इसका बी दैट इज मुरैना शिवपुर हालांकि मेरे क्वेश्चन सरल है आप लोग बन तो जाओ इतनी कुर्बानी सही इतनी कुर्बानी सही जादो माटी एक क्षेत्र है जादो माटी एक क्षेत्र है जो कि मैंने आपको बताया ये जादो माटी एक क्षेत्र है लिखाई हुआ है जांदो माटी का क्षेत्र मुरैना श्योपुर का कुछ क्षेत्र है जहां पर जादो माटी बोली भी बोली जाती है उस क्षेत्र को जादो माटी का क्षेत्र कहा जाता है और ये बोली भी बोली जाती है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने <laughs> अरे अलीना आप बन जाओ बस मुझे पता है कि ये तो अभी कहने की चीजें हैं कि सर के साथ सर की ये मदद करेंगे वो मदद कर बाद में कोई नहीं करता बट यस आप बन तो जाओ चलिए इसमें बताना है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले प्रभास जोशी सरकार प्रभास जोशी पुरस्कार की, की राशि बताना है कितनी प्रभास जोशी पुरस्कार की राशि बताना है पोल आप सभी के मैं सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने बताइएगा प्रभाष जोशी पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है आंसर हो गया इसका क्या आंसर हो गया इसका सी यानी कि दो लाख रुपए एक पुरस्कार में एक लाख प्रदान की जाती है बाकी के लगभग सभी पुरस्कारों में जो है दो लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना इनमें से शिशु जन्म के छठवें दिन बनाया जाने वाला छठी चित्रकला निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है छठी चित्रकला पोल आप सभी के मैं सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने चलिए बताइएगा मोनिका एक बार रिफ्रेश करें सही हो जाएगा <laughs> चलिए मोनिका एक बार रिफ्रेश कीजिए आने लगेगा आंसर क्या होगा इसका अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही तो बताया था छठी चित्रकला किधर का बगेल का शिशु जन्म के के छठवें दिन नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है एट कि फॉलोइंग प्लेस द स्टेट्स फर्स्ट चीफ मिनिस्टर संजीवनी पोलिक्लिनिक इनोग्रेटेड पोल मैं आपके सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के कहां पर है सामने चलिए बताइएगा रघुवंशी सीता निमाड़ नहीं है बघेल खंड में छतरी चित्रकला नेहा कह रही है सर सब बो, यही बोलेंगे कि देखे देखे तो लग रहा है पर याद नहीं आ रहा कौन है बहुत बढ़िया <laughs> देखे देखे तो लग रहे हैं ना आंसर क्या होगा इसका सेवेंटी परसेंट स्टूडेंट ने सही दिया है आंसर ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है गोविंदपुरा भोपाल में कहां पर गोविंदपुरा भोपाल में आंसर होगा इसका सी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है निम्नलिखित में से आपको बताना है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नेम्ड एज द प्रिंसिपल साइंटिस्ट ऑफ इसरो आदित्य एल1 मिशन चलिए पोल आप सभी के सामने बताइएगा ठीक है इसमें यदि आप देखें तो इसमें यदि आप देखें तो समीर बी कामत डीआरडीओ के प्रमुख बने हैं डीआरडीओ के प्रमुख बने हैं और इसके अलावा यदि हम बात करें आर वेंकट रमीणी तो ये हमारे क्या हैं एजी हैं क्या हैं एजी हैं एडिन एड इनकी अटॉर्नी जनरल भारत के और डॉक्टर सुब्रमण्यम के डॉक्टर सुब्रमण्यम के को ये जो आदित्य एलवन एलवन मिशन है ये सन का एक मिशन है यानी कि सूर्य मिशन है ये सूर्य के लिए जैसे मंगलयान है चंद्रयान है तो वैसे ही आपका ये सूर्य का मिशन है सुरयान है जिसको आदित्य मिशन कहा जा रहा है सो so, इसके जो प्रमुख साइंटिस्ट बनाए गए हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए वो डॉक्टर सुब्रमण्यम के को बनाया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने जॉर्जिया मिलोनी अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री जॉर्जिया मिलोनी पोल में आप सभी के सामने दे रहा हूं ठीक है पोल आप सभी के अभी चर्चा में भी रहे हैं कोई बताएगा क्यों चर्चा में रही है पोल आप सभी के सामने है. आर्ट एंड क्वेश्चन वाले सही नहीं जाते क्यों हां बिल्कुल पलाश विजिटेड इंडिया अभी हाल ही में चर्चा में रही अखबारों में पढ़ा होगा आप लोगों ने आंसर क्या होगा इटली की अभी हाल ही में तो आई थी आंसर क्या होगा इसका बी इज इटली आंसर होगा इसका बी नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने प्रगति शर्मा कह रही हैं सर लेट हो गई मोबाइल था अच्छा डिस्चार्ज था ऐसा कह रही है क्या चले इसमें बताना है आपको ध्यान से पढ़ना है विधानसभा का पहला सत्र कब हुआ था तो पहला सत्र इनमें से किस तिथि को हुआ था पोल में आपके सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने उसमें लिखा था महिमा फर्स्ट वीमेन प्राइम मिनिस्टर ठीक है चलिए बहुत बढ़िया ऋषभ कह रहे हैं ए नहीं ऋषभ ए जो आप कह रहे हैं वो गलत है मैं बता देता हूं मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन यदि आपसे गठन पूछा जाए कि पहली बार गठन कब हुआ तो एक नवंबर को लगाएंगे लेकिन पहला सत्र कब शुरू हुआ पहला सेशन कब शुरू हुआ तो सत्र आप लगाएंगे 16 दिसंबर 1956 से 16 दिसंबर 1956 से उन्नीस सौ जनवरी उन्नीस तक एक महीने चला था एक ही सत्र हुआ था और इसके बाद जो है मार्च में विधानसभा को भंग कर दिया गया था पांच मार्च को पांच मार्च उन्नीस को विधानसभा भंग कर दी गई थी सो यहां पर आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका एक ही सत्र हुआ था एक महीने का चला था आंसर होगा इसका लेकिन गठन यदि आपका लगाया जाए तो गठन एक नवंबर ही लगाएंगे ध्यान रखना है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने इसमें आपको बताना है सिद्धेश्वर बाण गंगा सिद्धेश्वर बाण गंगा के संबंध में बताना है ये किस जिले में आयोजित होता है सिद्धेश्वर बाण गंगा मेला भी आयोजित होता है सो so, मेला ही ये पूछा है क्वेश्चन में पोल में आप सभी के सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने हेलो मौसमी आंसर क्या होगा इसका कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है आंसर होगा इसका दोस्तों 35% स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है याद रखना है आप सभी को कि सिद्धेश्वर सिद्धेश्वर एक्चुअल एक्चुअल में एक में एक शिव मंदिर है और ये कहां पर है शिवपुरी में अवस्थित है सिद्धेश्वर शिव मंदिर शिवपुरी में और बाण गंगा जो है एक्चुअल में एक पुराना मंदिर है और ये बामन कुंडों के लिए एक्चुअल में कुंड के लिए जाना जाता है बाण गंगा मेला भी लगता है ये कहां पर है शिवपुरी में सिद्धेश्वर बाणगंगा का मेला कहां पर आयोजित होता है शिवपुरी में आयोजित होता है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने चलिए बताइएगा youtube पर जो स्टूडेंट हैं प्लीज आप सभी लोग एक बार क्लास को लाइक कर दीजिए और जो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ज्वाइन करना चाहें वो अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है पोल मैं आप सभी के सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के बिल्कुल फ्री क्लास है कमेंट बॉक्स के आपके ऊपर जो youtube पर स्टूडेंट हैं कमेंट बॉक्स के जस्ट ऊपर देखिए वीडियो के जस्ट नीचे वो लिंक है मेरी क्लास की ए एन डी पांडे कोड का प्रयोग करके उस लिंक पर क्लिक करके आप क्लास को ओपन कर सकते हैं यदि अभी ना कर पाए तो क्लास के बाद लर्निंग एप डाउनलोड कर लीजिएगा मैं बता दूंगा कल से जरूर ज्वाइन करें बिल्कुल फ्री क्लास रहती है आंसर होगा इसका 2004 में अभी चर्चा में भी है क्योंकि दमोह जिले के दो स्थल हैं जिनको अभी पवित्र स्थल घोषित किया गया है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने चलिए रघुवंशी शीतल कह रही हैं कि आज के क्वेश्चन गलत क्यों हो रहे हैं थैंक यू थैंक यू मुकेश साहू जी चलिए विच द फॉलोइंग लाइज विद इन द सी पी यू है ये सर, अच्छा कंप्यूटर का भी क्वेश्चन है बहुत बढ़िया सो so, पोल आप सभी के लाइज विद इन द पी यू तो इसमें कुछ तो रहता है सीपीयू के पोल आप सभी के मैं सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने चलिए बताइएगा मैंने क्या लगाया पोल गड़बड़ हो गया पोल पोल गड़बड़ हो गया है ठीक है चलिए पोल गड़बड़ हो गया है वाह बहुत बढ़िया एनीवे anyway, आंसर जो है अपने आप सही है आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका प्राथमिक मेमोरी आंसर क्या होगा इसका ए दैट इज प्राइमरी मेमोरी आंसर होजेस इसका ए तो प्लीज करेक्ट कर लेंगे ठीक है पोल गड़बड़ हुआ है एकाद क्वेश्चन जिनका ऊपर नीचे रहा ना रैंक वो थोड़ी सी बैलेंस हो जाएगी अब ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पठार को विंध का पठारी प्रदेश भी कहते हैं विंध का पठारी प्रदेश कहते हैं पोल आप सभी के मैं सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने बताइएगा कंप्यूटर का दिमाग सीपीयू बिल्कुल सही चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा इसका विंध का पठारी प्रदेश किसको के? पोल गड़बड़ था क्या कितना परसेंट था आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका रीवा पन्ना के पठार को बिंद का पठारी प्रदेश भी कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पोल आप सभी के मैं सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने बताइएगा <laughs> कितने परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया 54 फोर परसेंट डब्ल्यू एम के नाम से जाना जाता था इसको डब्लू ए जारडी म्यूजियम के नाम से जाना जाता था खचराहु में संग्रहालय को नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको बताना है इनमें से और ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पोल में आप सभी के सामने दे रहा हूं पोल आप सभी के सामने है। पढ़ लीजिए क्वेश्चन को प्रज्ञा क्या हो रहा है एक बार सेटिंग में जाइए वहां पर क्वालिटी को बढ़ाइए थोड़ा सा एक बार चलिए कितने परसेंट स्टूडेंट है कल से अन ज्वाइन कर लीजिएगा अभी आप सेटिंग बढ़ा लीजिए सेटिंग से क्वालिटी और ये फ्री क्लास है सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं की लर्निंग ऐप पर आंसर क्या होगा इसका परसेंट ये ध्यान रखेगा मध्यप्रदेश सरकार ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन गठित राज्य कंप्यूटर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल गतिविधि और पर्यवेक्षण के लिए प्रशासनिक स्तर पर आवश्यक नीति बनाने मार्गदर्शन करने और सलाह देने के लिए किसकी अध्यक्षता में तो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किसकी अध्यक्षता में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में ये जो है प्रतिक्रिया दल का गठन किया है आंसर होगा इसका सी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की खदान से देश का लगभग बावन प्रतिशत तांबा निकाला जाता है तो पोल अब सभी के सामने है बताइएगा रामदयाल करें क्वेश्चन पढ़ने के बाद बोल दीजिएगा अभी हम जाने वाले थे यहां बट नहीं गए चलो बहुत बढ़िया हो के आइएगा आप और अब जब आइएगा तो लड्डू लेकर के आइएगा मिठाई लेकर के आइएगा है ना आंसर क्या होगा इसका सेवेंटी परसेंट आंसर होगा इसका बालाघाट मलाजखंड आंसर होगा इसका सी नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है रामगढ़ की रानी अवंती बाई का जन्म किस जिले में हुआ था पोल मैं आपके सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने है बताइएगा <coughs> बिल्कुल रघुवंशी शीतल हेलो हेलो सभी को चलिए हमारा मलाजखंड कौन कह रहा है मुजम्मिल जिलानी कह रहे हैं हमारा मलाज खंड बहुत बढ़िया नहीं कोई बात नहीं प्रगति क्वालिटी आपने नहीं बढ़ाई होगी इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है आंसर क्या होगा इसका 38% स्टूडेंट इस ने आंसर दिया है आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका सी इनका जन्म पूछा गया है और जन्म कहां पर हुआ है जन्म सिवनी जिले में है कहां पर जन्म जो है सिवनी जिले में नेक्स्ट क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है तो ये लेजिस्लेचर है यहां पर लेजिस्लेचर ठीक है पोल मैं आप सभी के सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है पोल आप सभी के सामने देखिए कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है सभी मंत्री यानी कि मुख्यमंत्री आप सीधा सा कहें क्योंकि मुख्यमंत्री यदि गया तो फिर पूरी मंत्रिपरिषद जाती है तो सामूहिक रूप से लोकसभा बहुमत कहां पर साबित करना होता है यदि राज्य में बात करें तो विधानसभा यानी कि निम्न सदन निम्न सदन लोअर हाउस विधानसभा होती है लेकिन व्यक्तिगत रूप से कहें तो राज्यपाल के प्रति क्योंकि मुख्यमंत्री कभी भी कह करके किसी भी मंत्री को किसी एक मंत्री को राज्यपाल से उठवा सकते हैं एक मंत्री दो मंत्री सो आंसर क्या होगा इसका सी नेक्स्ट क्वेश्चन है गरबा गरबी लोक गायन के संचल में प्रचलित है गरबा गरबी लोक गायन के संचल में प्रचलित है पोल मैं आप सभी के सामने दे रहा हूं और पोल आप सभी के सामने किसका पोल गलत है किस क्वेश्चन की बात की है आपने आप तो गई थी वहां पर लेकिन किस क्वेश्चन की पोल की बात की थी आपने गलत है जन्म की बात पूछी गई थी उसमें आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका मनकेरी में जन्म हुआ था ना उनका शिवनी जिले में मनकेरी में आंसर क्या होगा इसका ए दैट मींस निमाड़ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने हैं। है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेलखंड के पठार की जलवायु किस प्रकार की है बघेलखंड के पठार की जलवायु किस प्रकार की है पोल आप सभी के सामने दोस्तों कुछ पीडीएफ जो है कम्युनिटी पर अभी अपलोड करनी है लेकिन आज वो नहीं होगी कल तक आपको मिल जाएंगी यूनिट नंबर टेन और इसके अलावा यूनिट नंबर सिक्स की कुछ पीडीएफ हैं, सो so, आप लोगों को कल तक मिल जाएंगी काफी मैसेजेज जाएं आए हैं मुझे पीडीएफ के लिए so, आप क्वेश्चन आपके सामने इसमें आपको बताना है सिंध नदी की सिंध नदी किसकी सहायक नदी है सिंध नदी किसकी सहायक नदी है और पोल आप सभी के सामने ठीक है ठीके? चलिए बताइएगा आंसर क्या होगा इसका आंसर होगा इसका दोस्तों सिंध ओहो हो कितने सेवन पॉइंट वन फोर परसेंट मैं डेली आप सभी को बोलता हूं डेली बताता हूं शायद कुमारी का एक क्वेश्चन पूछा था उसमें समझाया था मैंने कि कुमारी जो है सिंध दतिया ये भी हमने डिस्कस किया था कि दतिया जो है इसी नदी के तट पर अवस्थित है तो ये सिंध नदी किसकी आप लोग काली सिंध से कंफ्यूज हो गए काली सिंध चंबल की है और सिंध नदी किसकी है यमुना की है यमुना किसकी है? है गंगा की है तो डेली बेसिस पर सिर्फ प्रियांशु रितेश सुधांशु और महिमा ने सही किया है और यूट्यूब पर काफी लोगों ने हालांकि सही किया है ठीक है चलो बहुत बढ़िया आंसर क्या होगा इसका काफी लोगों ने नहीं लगभग ना के बराबर किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया बहुत बढ़िया आंसर क्या होगा इसका डी यानी कि किसकी सहायक नदी है यमुना की नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है सबसे पहले किस मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था किसी एक मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सबसे पहले लाया गया था वो मुख्यमंत्री कौन से हैं पोल आप सभी के सामने कोई बात नहीं पल्लवी हमें लगा कभी कभी लग जाता है लेकिन कभी कभी सही भी लगता है कभी कभी गलत भी हो जाता है है ना ओके okay. कितने परसेंट स्टूडेंट ने दिया है स्टूडेंट ने सही आंसर आंसर दिया है आंसर हो इसका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कैलाश नाथ काटजू के, के खिलाफ सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था ओनली गवर्नर बॉर्न इन द स्टेट इनमें से किस गवर्नर का मध्य प्रदेश के एकमात्र गवर्नर है जिनका जन्म जो है मध्य प्रदेश में ही हुआ था पोल आप सभी के सामने पोल आप सभी के सामने हैं और पोल इसका आंसर क्या होगा मध्य प्रदेश के सतना जिले में इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के सतना जिले में निरंजन नाथ वांचू का जो जन्म है मध्य प्रदेश के सतना में जिले में हुआ मध्य प्रदेश के एकमात्र ऐसे राज्यपाल थे जिनका प्रदेश में जन्म जन्म हुआ इसमें आपको बताना है पतंग क्या है पतंग 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 सो पतंग तो भैया हम उड़ाते हैं है ना और लेकिन पतंग इनमें से कुछ है जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है कल्चरली सांस्कृतिक रूप से तीस परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है और पतंग जो है पतंग क्या है थर्टी वन परसेंट पतंग जो है मालवा अंचल का लोक नृत्य है किधर का मालवा अंचल का लोक नृत्य है आंसर होगा इसका बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन गंगा का उद्गम स्थल आपको बताना है कहां पर अवस्थित है वेन गंगा नदी के सिरे से उद्गमित होती है और पोल आप सभी के पोल आप सभी के सामने आंसर क्या होगा इसका 67.24 परसेंट स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है परसवाड़ा पठार सिवनी से उद्गमित होती है कहां से परसवाड़ा पठार सिवनी से उद्गमित होती है सो दैट्स इट दोस्तों लीडर बोर्ड में आप सभी को शेयर कर रहा हूं आई थिंक लीडर बोर्ड विजुअल होगा सभी को आर आर लीडर बोर्ड यहां पर विजुअल नहीं है है ना चलिए जस्ट अ सेकेंड तनय ने 44 क्वेश्चन सही किए हैं बहुत बढ़िया पलास थर, थर, 36 निहारिका 36 महिमा 35 फाइव अवध सायरीम की अवध नारायण ओके okay, 34 गुड चांदनी 32 साक्षी 31 आजकम गए ऋषभ 30 हरिओम 30 अदिति 30 चलिए बहुत बढ़िया गुड सो so, दोस्तों आप सभी को आज बहुत गलत हुए प्रवीण कह रहे हैं चलो कोई बात नहीं थैंक यू थैंक यू केटू आप सभी को एक बार मैं आप सभी को बता देता हूं कि ये क्लास अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं एनअकेडमी के पोल में कैसे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं सो so, ये क्लास सबसे पहले तो मेरी प्रोफाइल पर जो आ...

एम पी पी एस सी स्टेट पी एस सी में मिलेगा आपको ये एम पी पी एस सी आप सर्च भी कर सकते हैं इसके बाद आपको करना क्या है सर्च करना है ऊपर सर्च बॉक्स में नीरज पांडे प्रोफाइल ओपन हो जाएगी फॉलो कर लेंगे आपको नोटिफिकेशन भी आना स्टार्ट हो जाएंगे ठीक है और इसके साथ साथ आप जो है आ, ये 40 परसेंट डिस्काउंट का लाभ उठा करके अभी अपना सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर सकते हैं ध्यान रखना है सब्सक्रिप्शन के लिए या फ्री क्लास को ओपन करने के लिए इस कोड का जरूर प्रयोग करें पी ए एन डी ई वाई इसके साथ साथ जो है ये सुबह सात बजे से यूनिट नंबर टेन मंडे टू फ्राइडे ज्वाइन कर सकते हैं यूनिट नंबर सिक्स मंडे टू फ्राइडे आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्यारह बजे से राज्य का आरा से। सो आप सभी इसको भी कर, सकते हैं, कर सकते हैं और कंप्लीट बैचेज भी ज्वाइन कर सकते हैं आईकोनिक सब्सक्रिप्शन भी सुनिश्चित कर सकते हैं जिससे आपको one one आपको प्राप्त होगा अक्की बिल्कुल पर टेलीग्राम चैनल पर हूँ लेट्स क्रैक एम्पी एग्जाम्स का जो टेलीग्राम का चैनल है वहां पर आपको मिल जाऊंगा और इसके साथ साथ इसके साथ साथ एक और टेलीग्राम में आपको बता देता हूं एमपी पटवारी क्वेश्चंस एमपी पटवारी क्वेश्चंस करके एक टेलीग्राम का चैनल है टेलीग्राम ग्रुप है वहां पर भी मिल जाऊंगा ठीक है चलिए ओके 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 सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच थैंक यू